दिस इज असूस आरओजी एलआई। देखो रिसेंटली ना इंडिया में ही हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल लॉन्च किया है असूस ने, असूस एलआई। मतलब कि क्या ही डिवाइस बनाया, एकदम ही अट्रैक्टिव लगता है एक तो दिखने के अंदर, ऊपर से एकदम ही हैंडी है, सिंपली एकदम ही 20 चीज है। पिछले 20 दिनों से मैं इसे कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं। आई वाज शॉक के इतने छोटे से डिवाइस के अंदर ना हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने इस पे गेमिंग करके देख ली, कंटेंट वॉचिंग के लिए यूज कर लिया। विंडोज 11 वाला डिवाइस है तो इसकी तो रियल लाइफ टेस्टिंग के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप भी रन करके देख लिया। इसी पे सब कुछ कर दिया मैंने एंड रिजल्ट्स वर जस्ट अनएक्सपेक्टेड। तो आज के इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानेंगे, बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, दैट्स इट। बात करें इसके बिल्ड एंड डिजाइन की तो इसकी जो इन हैंड फीन है ना वो काफी ज्यादा स्टर्डी है, सारा पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, बट एज सच कोई भी चीप सी फीलिंग नहीं आती। ग्रिप इतनी ज्यादा बढ़िया ना, काफी सॉलिड लगता है पकड़ते हुए, एकदम ही तगड़ा सा फील होता है। स्क्रीन के नीचे आरओजी की ब्रांडिंग मिल जाती है हमें और इसके जो जॉयस्टिक्स है ना वो भी आरजीबी लाइटिंग वाले हैं। काफी कूल सा इफेक्ट लगता है यूजेज के टाइम पे। और इसके दोनों साइड्स पे स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक स्टिक मिलती है और वन डी पैड है, और इसके राइट साइड पे ए बी एक्स वाई के बटन मिल जाएंगे एंड उसी के साथ एक स्टिक है। दोनों साइड पे दो दो बटन मिल जाते हैं। देखो ऊपर वाले जो दोनों बटन है ना उन्हें तो हम जैसे मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट बटन से आप आर्मरी क्रेट ओपन कर सकते हो, लेफ्ट वाले से कमांड सेंटर खुल जाता है जहां से फिर आप मोड चेंज कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी इसकी, लाइक डिस्प्ले के ऊपर एफपीएस, बैटरी स्टेटस, गेम प्ले का टाइम देखना, ये सारी चीजें। बाकी इन सब के बारे में डिटेल में आगे जानते हैं। बैक साइड पे एयर इनटेक के वेंट्स आ जाते हैं, ऊपर की साइड पे दो एग्जॉस्ट वेंट्स हैं। डुअल सेट ऑफ फैन है, एकदम ही बढ़िया सा। देखो एक लैपटॉप के अंदर भी ना आपको सिंगल फैन ही मिलता है, तो ये चीज मुझे एक्चुअल में काफी बढ़िया लगी कि छोटा डिवाइस है, हीटिंग का इश्यू ना आ जाए फिर इसके लिए डुअल फैन सेटअप दिया गया। देखो एग्जॉस्ट फैन के ऊपर बटन्स एंड पोर्ट्स आ जाते हैं, फिर नीचे की साइड पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं डिवाइस की, लाइक इसका सीरियल नंबर हो गया या फिर स्टिकर्स वगैरह। और ब्रांड ने ना ब्रांडिंग भर भर के कर रखी है, कॉर्नर्स पे, पाम रेस्ट पे, और इसके पीछे की साइड भी जो वेंट्स है ना वो भी आपको आरओजी के लोगो डिजाइन में ही मिलते हैं। भाई मानना पड़ेगा कि ब्रांडिंग के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है सूस ने। अब इसके ना स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें आता है प्रोसेसर एएमडी का राइजन Z1 एक्सट्रीम। अब देखो ये जो प्रोसेसर है ना वो एक एपीयू है, एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू एंड जीपीयू का कॉम्बिनेशन होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जैसी परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस के अंदर मिल जाती है। एएमडी की पेटेंट टेक्नोलॉजी है ये, मतलब कि सीपीयू और जीपीयू का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जैसा मर्जी आप इसे यूज कर सकते हो हैवी गेमिंग के लिए भी। 3.3 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाएगी आपको, 5.9 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। 24 एमबी L3 कैश मेमोरी होगी और ये अप टू 40 वॉट तक DDP को निकाल सकता है। परफॉर्मेंस के सिनेरियो में इसके अंदर आपको डुअल चैनल रैम मिल जाती है 16 GB की LPDDR5, जो कि हमें 6400 मेगाहर्ट्ज वाली दे रखी है। रैम इसके एक्सपेंडेबल नहीं है और 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, और ये है SSD के रीड एंड राइट के स्कोर्स। डिवाइस में दिया गया IGPU AMD Radeon का RDNA 3, बेसिकली ये रैम को यूज करता है। एक और चीज है, देखो आप रैम को ना साइन भी कर सकते हो 1 GB से लेके 8 GB तक, ये भी चीज फिर अपने हाथ में आ जाती है। अब इसके थोड़ा बहुत बेंचमार्क स्कोर्स भी चेक कर लेते हैं। देखो सिनेबन सिंगल कोर में थे 1807 स्कोर्स, और इतने ही सेम स्कोर्स आपको राइजन 7 प्रो 7840U प्रोसेसर में मिल जाते हैं। देन मल्टी कोर की बात कर लेते हैं तो अराउंड 14500 थे। देखो स्कोर्स तो इसके एक्चुअल में काफी तगड़े हैं, बट आगे देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर कैसी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। और इसके जो गीबेंच 6 के स्कोर्स हैं, सिंगल कोर 2364, मल्टी कोर 11440। इसके जीपीयू के ओपन सीएल स्कोर थे 31305, टाइम स्पाई स्कोर आगे 3159, पीसी मार्क आगे थे 6881, एंड लास्ट के अंदर हम पास मार्क स्कोर्स को चेक करें तो 6678। देखो सिंपल कहा जाए तो इन शॉर्ट किसी भी हाई एंड लैपटॉप के जैसे स्कोर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो कि हमें एक्चुअल में मैटर करती है, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस। फर्स्ट टाइम चलाने पे ना मुझे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिल रही थी, तो फिर उसके बाद जाके मैंने बायोस एंड विंडोज वगैरह अपडेट करके सारी परफॉर्मेंस फिक्स होगी। उसके बाद आपने भी यही चीज करनी है, जब भी आपने इसे बाय करना है ना सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सबको जाके अपडेट कर लो, ये चीज तो मस्ट है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सारा कुछ चला के देखा, फोटोशॉप चला के देखा, सच्ची में बताऊं तो क्या ही परफॉर्मेंस मिली थी, एकदम ही मक्खन बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। कलर्स की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है ना, देखो इसकी जो डिस्प्ले है ना वो हमें मिल जाती है 100% sRGB वाली, तो इसके जो हमें कलर्स देखने को मिल जाते हैं ना वो तो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, एंड फोटोशॉप यूज करते हुए ना मुझे 1% का भी कोई लैग नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने टेस्ट किया प्रीमियर प्रो, इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ना आई वाज टोटली शॉक्ड। 4K 60fps का प्रोजेक्ट टाइमलाइन एकदम ही स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि एक छोटे से डिवाइस के अंदर ना एडिटिंग भी हो सकती है। देन हमने इसके ऊपर रेंडर लगा के देखा, अराउंड 4 मिनट का प्रोजेक्ट था, 15 से ज्यादा लेयर्स थी उसकी, काफी ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट था जिसे इसने 30 से 40 मिनट के अंदर रेंडर कर दिया था, जो कि काफी हद तक बढ़िया चीज भी है। देखो एक चीज है कि वैसे तो हम इसके ऊपर एडिटिंग नहीं करने वाले क्योंकि इतनी
छोटी डिस्प्ले बिना आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन इन केस अगर आपको इसे किसी भी पर्पस के लिए यूज करना पड़ जाए ना, एडिटिंग अगर आपको करनी पड़ जाए, तो आप मॉनिटर लगा के माउस एंड कीबोर्ड अटैच करके इजिली वो वाले काम भी इसके ऊपर कर सकते हो। आफ्टर दैट उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैं अगर इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूं, तो फिर मेरे स्कूल एंड कॉलेज के जो भी रेगुलर काम है वो इसके ऊपर हो सकते हैं क्या, लाइक कोडिंग वगैरह हो गया? तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। ये चीज काफी बढ़िया लगी मुझे इसकी। अब चेक करते हैं उस चीज को जिसके लिए ये डिवाइस बना है, गेमिंग। मैंने इसके ऊपर सारी पॉपुलर गेम्स के टेस्ट करे। सबसे पहले हमने खेली इसके ऊपर स्पाइडरमैन। देखो स्पाइडरमैन के टाइम पे ना चार्जर कनेक्टेड था, डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे FPS निकाल रहे थे 40-45 FPS। गेम बिल्कुल ही प्लेएबल थी, कोई भी लैग या फिर मुझे फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले इसके अंदर। और ये जो रिजल्ट्स है ना वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे हैं, रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे। अब देखो जो भी बाकी की सारी गेम्स है ना वो बिना चार्जर के टेस्ट करेंगे। हमने खेली वैलोरेंट, डिफॉल्ट सेटिंग्स थी, लिमिट FPS ऑफ था, 120 से लेके 135 तक के FPS इजीली निकाल रहा था। देन उसके बाद खेली CS:GO, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे 70-75 FPS इजीली मिल रहे थे हमें। एट लास्ट हमने खेली PUBG PC, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे गेम बिल्कुल ही स्मूथ और प्लेएबल थी। मतलब क्या, सिंपल चीज है कि जैसी मर्जी अगर आपने गेमिंग करनी है ना इसके ऊपर, वो एकदम ही स्मूथली चल जाती है। गेमिंग के सिनेरियो में तो कोई डाउट बचा ही नहीं है। अब इसकी जो डिस्प्ले उसे चेक कर लेते हैं। 7 इंचेस की FHD टच डिस्प्ले मिल जाती है। विंडोज है, आप टच से ही ऑपरेट कर सकते हो सब कुछ। एंड काफी बढ़िया सा रिस्पॉन्सिव टच है इसका। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है 100% sRGB। 500 निट्स की ब्राइटनेस होगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। 7 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। मीडिया कंजम्पशन काफी बढ़िया से हो जाती है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो एक्चुअल में काफी बढ़िया है। 500 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से ना आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं पे भी यूज करोगे ना, आपको उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाली। डिस्प्ले के बेजल्स काफी बड़े लगे मुझे, वो चीज तो है इसकी, बट ओवरऑल जो इसकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना वो एक्चुअल में टोटली वर्थ इट है। गेमिंग के टाइम पे इसका टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला गया था, बट बिल्कुल भी पता नहीं चला। थर्मल्स काफी बढ़िया हैं। देखो डुअल फैन होने के कारण ना टेम्परेचर काफी जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं। पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दिया गया, बहुत बढ़िया चीज है कि हर बार पासवर्ड नहीं भरना पड़ेगा हमें, फिंगर लगाई एंड ओपन। एक और चीज है, देखो विंडोज 11 दे रखी है ना, डिवाइस को बार बार ऑन नहीं करना पड़ेगा। स्लीप मोड पे लगाओ, पावर बटन से ऑन हो जाएगा इन लेस देन 10 सेकंड्स। उसी के साथ 2 LED लाइट है, देन वॉल्यूम बटन आ गए। फिर एक USB 3.2 Gen 2 पोर्ट दे रखी है, इस पोर्ट के थ्रू आप डिस्प्ले ले सकते हो, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल हब लगा के कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना चाहते हो ना, डिस्प्ले कनेक्ट करके एज अ लैपटॉप भी इसे यूज कर सकते हो। फिर आफ्टर दैट इसके अंदर हमें PCIe पोर्ट मिल जाती है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल GPU लगा सकते हैं। फिर आगे एक माइक्रो SD कार्ड जो कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है। अब इसके अंदर आप USB 2 SD कार्ड लगा सकते हो। और देन 3.5mm जैक, वाईफाई 6E दे रखा है और ब्लूटूथ का वजन है 5.2। देखो ये जो स्टिक्स के ऊपर वाले दो बटन है ना लेफ्ट एंड राइट साइड पे, आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। आर्मरी क्रेट को ओपन करके ना देन आ जाती है गेम लाइब्रेरी, देन उसी के साथ ही सेटिंग्स है। सेटिंग में जाके सिलेक्ट कर लो कॉन्फ़िगर। आफ्टर दैट आपने जो सा भी मोड चूज करना है ना वो आप इजीली कर सकते हो, गेम पैड मोड हो गया या फिर डेस्कटॉप मोड में। हम अभी डेस्कटॉप मोड में है, तो डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करके बटन सेलेक्ट कर लो जो भी आपने कॉन्फ़िगर करना है। देन आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन से डिवाइस की कौन सी की मैप करनी है। हमने इसमें सेलेक्ट किया कीबोर्ड की एस्केप की। सेम वे आप राइट वाले बटन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैप कर सकते हो, जैसे हमने कीबोर्ड की विंडोज की को मैप किया है। अब थोड़ा इसका कमांड सेंटर भी देख लेते हैं जिसके अंदर हम मोड्स चेंज कर सकते हैं। लाइक डिफॉल्ट पे तो 15 वॉट पे काम करता है परफॉर्मेंस मोड पे, देन उसके बाद टर्बो पे जाके ना चेंज कर सकते हैं हम 25 वॉट पे, फिर ये काम करेगा। इसका जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है उसे ओपन कर सकते हैं, वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस कंट्रोल हो जाएगी इसकी यहां से। आफ्टर दैट AMD RSR को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, सेम NVIDIA का जैसे DLSS होता है ना वैसे। ये चीज भी परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है ड्यूरिंग गेम प्ले, तो इसे भी हम यही से कंट्रोल कर सकते हैं। 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, टॉप फायरिंग स्पीकर्स है, काफी बढ़िया आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा कह सकते हैं कि एकदम ही ठीक ठाक से लाउड आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो गेमिंग के लिए तो काफी बढ़िया है। आफ्टर दैट जो इसका मीडिया कंजम्पशन है ना उसके लिए भी एकदम ही परफेक्ट चीज है। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर, 608 ग्राम इसका वेट है। बैटरी की बात करें तो 40 वॉट आवर्स बैटरी मिल जाती है। नॉर्मल यूजेज पे 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली हमें इसके अंदर मिल जाएगा। और गेमिंग की बात कर लेते हैं तो गेमिंग के टाइम अराउंड 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप हमें इसके अंदर इजिली मिल जाएगा। और जब इसे टर्बो में चलाओगे 25 वॉट पे तो बैटरी बैकअप और भी कम हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट 65 वॉट का चार्जर मिल जाएगा इसके साथ हमें। ओवरऑल देखा जाए ना तो काफी बढ़िया सा डिवाइस है ये, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, इसके ऊपर आप गेमिंग भी कर सकते हो और बाकी भी अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो ना तो वो चीज भी इसके ऊपर इजीली हो जाएगी, उसका भी ऑप्शन तो है ही है। तो ये था सब कुछ ROG Ally के बारे में। अब देखो ये जो चीज है ना ये किन यूजर्स के लिए है। अब इसका जो करंट प्राइस चल रहा है ना दैट इज अराउंड 64,000 रुपीज, और ये अराउंड 70,000 तक चला जाता है। देखो ये चीज है, 70,000 के पीरियड के अंदर ना आपको RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी मिल जाते हैं और फुल फ्लेज गेमिंग कंसोल भी मिल जाते हैं, PS5 वगैरह।
सो अब ये चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आपको गेम्स खेलनी है ट्रेवल करते हुए, फिर तो ये हैंडहेल्ड डिवाइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगी। आफ्टर दैट आप एक गेमिंग एंथुजियास्ट हो, आपके पास लैपटॉप तो है लेकिन आपको एक काफी बढ़िया सा गेमिंग कंसोल चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, फिर भी आपके लिए डिवाइस परफेक्ट रहेगा। एंड इसका जो बेस्ट स्पेलिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।